नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये जो आज गुरुजी को सत्सत नमन, गुरुजी को सत्सत प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में मैं जो हमारा पुरातन पारा रखा हुआ था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का, आज मैं उसको गुरुजी के नाम से 101 गुटिका जरूर बनाता हूँ। गुरु जी का ही सब किया हुआ है हमारे, आज वो है नहीं। आज ही के दिन उनका शरीर उन्हें त्यागा था नर्मदा जी के तट पे। उनकी याद में मैं आज कुछ गुटकाएं बनाऊंगा। हमारे कई मित्रवर थे, प्रेमी हैं बहुत सारे, उनको भी चाहिए थी गुरु पूर्णिमा का प्रसाद देना आप हमको, तो हमने गुरु पूर्णिमा पे ये देखिए ये पारा है, ये जमने लगा है। अब ये देखिए कैसा बारीक हो गया, और ये पूरी औषधि है। ये देखिए हरी हरी दिख रही है, ये किनारे पे भी आपको हरी दिख रही है। हम जो भी पारत का काम करेंगे औषधि से ही करेंगे, औषधिबद्ध ही करेंगे। ये देखिए आप, ये पूरी औषधि है, ये मैं दिखा दूंगा आपको। ये पूरी जो हरी देख रहे हैं ना, ये पूरी औषधि है। पहले इसको हमारी अलग अलग 21 औषधि से कर दिया, पहले पारा शोधन कर लिया, हिंगुल से निकाल लिया, शोधन कर लिया। शोधन करने के बाद हमने अलग अलग 8 इसके संस्कार करके फिर हमारी सब औषधियों से बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, एकदम शिवतुल्य। और फिर आखिरी ये बंधन चल रहा है, ये देखिए कुछ कुछ होने भी लगा आपको, शायद ये ऊपर दिखेगा सतह पे, ये किनारे किनारे होने लग गया। ये 1-2 घंटे में हो जाएगा। ये देखिए ये जो रखा है, ये मैं कांच से दिखाता हूँ आपको। ये जो रखा है ना, ये जमने लग गया। ये देखिए, ये अभी थोड़ी देर और 4-5 घंटे और होगा तब ये पूर्ण औषधिबद्ध हो जाएगा। औषधिबद्ध में इसलिए आपको सब चीज़ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ मित्रों, कि आपके समझ में आए, कहीं कोई शंका समाधान आपको नहीं रहे। जैसा कि कोई टेबल कुर्सी पर बनी वाली गुटकाएं दिखा दे कि औषधि बद्ध है, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल जमने लगा है, नीचे भी देख रहे हैं जम रहा है, ये चारों तरफ चिपका है, ये छोटे छोटे कण जो देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह से ये चमक रही है। ये तो ये है मित्रों शुद्ध औषधि बद्ध। हम जो पारद मणि कहना चाहिए इसको, गुटका नहीं कहना चाहिए, गुरु जी के प्रताप से बन रही है तो पारत मणि ही बेहतर शब्द है इसको। अतिशय दिव्य होती है मित्रों, जब हम इसमें सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगा देते हैं तो फिर क्या कहने इसके, फिर शिव और पार्वती दोनों एक सत्व हो जाती है, तो फिर आपके समस्त काम बनते हैं। बुद्ध का प्रतीक है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। इस तरह से ये हमारा पूरा कार्यक्रम होता है। बहुत सारे परम मित्र थे, उनका कहना था कि औषधि बद दिखाओ, औषधि दिखाओ। औषधियाँ तो बहुत सारी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये आखिरी प्रक्रिया गुरु जी के नाम से चल रही है मित्रों। आज ये गुरु पूर्णिमा पे गुरु के प्रसाद स्वरूप में जरूर बनाता हूँ गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि उनकी याद में उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया, आज वह है नहीं। जय माँ नर्मदे, उन्हीं के सिखाया हुआ चीज है ये बिल्कुल औषधि। ये देखिए कैसी औषधि, ये देखिए ऐसा हिला देता हूँ आपको तो और अच्छी दिख जाएगी। ये पूरी दिख रही है आपको हरी, इसमें पूरा पारा घुला हुआ है। ये कहीं कोई शंका समाधान हो जाए आपका, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं उन पर खैर ध्यान तो देता नहीं। ये देखिए अच्छा हो गया, मैंने हिला दिया, ये पूरी औषधि से है। ये नीचे जम गया था पारा, ऊपर औषधि आ गई थी तो लाल दिख रहा था। एक बार और दिखा देता हूँ, ये पूरी हरी हरी पूरी औषधि का रस है। अभी 4-5 घंटे खरल और चमेगी, और ये नीचे नीचे पूरा जमना, वो देखिए कोने पे जम गया, ये आ गया कोने पे, ये जमने लग गया। ये दिख रहा है आपको, ये जम गया। ये थोड़ा इसमें भी चिपक गया है, इसमें भी चिपक रहा है, ये ऊपर दिख रहा है कण, ये कितने सारे आ रहे हैं ऊपर, ये सब जम गया है मित्रों।
थोड़ी देर में बिल्कुल मैं इसको बंधन कर दूंगा, आज गुरु जी के नाम से ही बंधन करूंगा, गुरु का प्रसाद सबको मिल जाए, बहुत सारी हमारे मित्रवर की चाहत है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, आपको नमस्कार करते हुए हमारे समस्त प्रिय मित्रों को आज गुरु पूर्णिमा का सबको आशीर्वाद हो, सबके गुरुओं का सबको आशीर्वाद मिले। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबको पुनः नमन, हमारे प्रिय मित्रों को नमन, हमारे जो दूसरे जो हैं कुछ कमेंट्स उल्टे सीधे करते हैं उनको भी नमन, सबको मेरा सत सत नमन। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।